ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg इज स्टेशनरी एट ए टॉप ऑफ ए हिल ऑफ हाइट 100 मीटर। 100 मीटर का हिल है, वहाँ पे एक 20 kg का एक बॉल है वो रेस्ट में रखी हुई है। इट रोल्स डाउन ए स्मूथ सरफेस टू ए ग्राउंड एंड देन क्लाइम अप टू अनदर हिल ऑफ हाइट 30 मीटर एंड फाइनली रोल्स डाउन टू ए हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ हाइट 20 मीटर। मतलब बहुत कुछ हो रहा है इसमें। उस हाइट से जब वो आ रही है तो नीचे आ रही है, ग्राउंड तक आ रही है, फिर हाइट कटेन कर रही है, फिर एक हॉरिजॉन्टल बेस पे आके चलती चली जा रही है। तो पहली जो हाइट थी वो थी 100 मीटर और आखिरी जो हाइट है वो है 20 मीटर। तो अगर आपको वेलोसिटी पूछी है तो हमें ये देखना पड़ेगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो वो हुआ एम जी एच, जो आया वो आपका 80 मीटर के बराबर आया। और यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो वी कितना आ जाएगा यहां से जब आप सॉल्व कर लोगे, तो वी आपका आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए फोर्स बिटवीन टू एटम्स इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ये दिया है आपको, U इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स टू पावर 8। तो इसको ऊपर ही लगा ले जाएं, सीधे लिखें तो U इज इक्वल टू ए इंटू एक्स टू पावर माइनस 8 माइनस बी इंटू एक्स टू पावर माइनस 4। और A और B आपके कॉन्स्टेंट हैं और X जो है वो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स है। इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ये दे रहे हैं, डिसोसिएशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एक्स इज इनफाइनाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो डी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पहले ये बताओ इनफाइनाइट एक्स इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट डालोगे, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट विल बी जीरो, तो ये तो हो जाएगी जीरो। बस अब हमको इक्विलिब्रियम पे निकालनी है। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि फोर्स होता ही है माइनस डी यू बाई डी एक्स या माइनस डी यू बाई डी आर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 8a एक्स टू पावर माइनस 9 प्लस 4b एक्स टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। क्या क्या कॉमन लेके जीरो चला जाएगा, तो 4 कॉमन लेके जीरो में चला जाएगा, एक्स टू पावर माइनस 5 कॉमन लेके जीरो में चली जाएगी, तो यहाँ बचेगा माइनस 4a एक्स टू पावर माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू जीरो। तो 4a एक्स टू पावर माइनस 4 कितना आ जाएगा, b के बराबर। तो एक्स टू पावर माइनस 4 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है बी अपॉन 4a। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, अगर मैं एक्स निकालूंगा यहाँ से तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, लेकिन मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मुझे एक्स नहीं चाहिए। तो इसकी एक्स टू पावर माइनस 4 की वैल्यू वापस इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी एट इक्विलिब्रियम ए एक्स टू पावर माइनस 8 है तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो बी अपॉन 4a का स्क्वायर माइनस बी एक्स टू पावर माइनस 4 तो बी अपॉन 4a। थोड़ी सी एरर हो गई यहाँ पे, ये 4 नहीं बचेगा यहाँ पे, जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा 2 और यहाँ भी क्या होगा 2। अगर आप देख रहे होगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा 2 2। जरा स्क्वायर करते हैं, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो माइनस करने के बाद आया ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होनी भी चाहिए क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो। तो डिसोसिएशन एनर्जी कितनी बन जाएगी, तो डिसोसिएशन एनर्जी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट वो जीरो है माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम तो वो माइनस बी स्क्वायर बाई 4a है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, योर आंसर विल बी सी पार्ट।